ईडी श्री शांतनु गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल श्री श्रीकांत माधव बैद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम, याद करिए पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी, चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे तब कितना मौसम खराब था, तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं,
और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहाँ के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ने आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहाँ पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है, तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो, आमदनी अन्नदाता किसान की कई गुना बढ़ेगी। और किसान हमारा अन्नदाता किसान, बहनों और भाइयों, अगर अन्नदाता किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अपने आप खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और आज का ये प्लान दक्षिणांचल में उसकी शुरुआत है। मैं इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को ये सौगात दी है शिवरात्रि की। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, यानी जो पराली जला दी जाती थी पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे, उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी, गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी, यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटाश के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे, खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ 165 करोड़ रुपए के इस प्लांट का उद्घाटन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं 222 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और भी सौगात दक्षिणांचल वासियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है एक महदेवा दुघरा सोपड़ा मार्ग का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर का है, इसमें लगभग 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं, आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ साथ यहां पे उर्वा धुलियापार सापुर बेलघाट मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का 17 किलोमीटर का यह कार्य भी हम लोग 57 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं, इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। कौड़ीराम मनोली तटबंध से जुड़ी हुई 6 परियोजनाओं के लिए भी लगभग 31 करोड़ रुपए के कार्य का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग का यहां पे कार्य होना है, उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कनेल मझगावा बांध को बाढ़ की सुरक्षा के लिए जियो बैक कटर
रिवर बैंक का